हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का मिसलेनियस चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 है और उसका पहला सवाल आप देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन के माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज नंबर 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नंबर 2 पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब है कि हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू के की, और अलग अलग हमें सिचुएशंस दी हुई हैं, नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3। तो लेट अस स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप लिखिए कि गिवन इक्वेशन इज के माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका पहला जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका स्लोप 0 होता है। तो इसका मतलब है सब कि इसका स्लोप हमें निकालना होगा। तो स्लोप के लिए आपको कुछ ध्यान रहे कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज व्हाट। तो स्लोप ऑफ अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई माइनस ए अपॉन बी, ये है स्लोप। अब हमारा जो इस केस में, इस लाइन के केस में स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी स्लोप, समटाइम्स यू मे रिप्रेजेंट दिस स्लोप बाय एम, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स विच इज़ के माइनस 3 कोफिशियंट ऑफ एक्स, ब्रैकेट ले जरूर लगाइए आप, अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। तो कोफिशियंट ऑफ वाई इज दिस माइनस 4 माइनस के स्क्वायर, ये पूरा स्लोप है। अब माइनस से माइनस आप चाहें तो कैंसिल कर दें, तो आपके पास आ जाएगा के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, ये आया आपका स्लोप। अब आप देखिए कंडीशन 1 क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, क्वेश्चन 1, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप अपने दिमाग में दो बातें रखिए, इफ योर लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, If line is parallel to x-axis, then its slope will be 0 and if it is parallel to y-axis, then its slope will be infinite. तो हमारी पहली सिचुएशन है इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये तो मैंने कंसेप्ट लिख दिए सो दैट यू कैन कीप इन माइंड, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज 0, स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज एम, देन एम इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज एम इज व्हाट, एम इज दिस के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 3, देयरफॉर आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज के इज इक्वल टू 3, 4 माइनस के स्क्वायर इज ट्रांसफर्ड ऑन राइट साइड।
एंड देयर फोर के इज इक्वल टू थ्री. सेकेंड पार्ट, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. वी आर गिवन दैट द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड वी नो दैट इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन इट्स स्लोप विल बी इन्फिनिटी. देयर फोर एम इज वॉट इन्फिनिटी. इफ एम इज इन्फिनिटी देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस वैल्यू एम, वैल्यू ऑफ एम के माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस के स्क्वायर इज इन्फिनिटी ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ साइड्स. दोनों साइड्स का आप जब इन्फिनिटी हो तो रेसिप्रोकल लीजिए. इन्फिनिटी के अपॉन में इफ देयर इज नथिंग देन यू कैन राइट वन. तो के माइनस, सॉरी, रेसिप्रोकल लेंगे तो लेफ्ट साइड होगी फोर माइनस के स्क्वायर, राइट साइड बनेगी फोर माइनस के स्क्वायर के माइनस थ्री, राइट साइड बनेगी वन अपॉन इन्फिनिटी एंड वन अपॉन इन्फिनिटी यू नो ज़ीरो, फोर माइनस के स्क्वायर अपॉन के माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज. अब के माइनस थ्री को आप उधर भेजिए तो आपके पास आएगा फोर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, देयरफॉर के इज इक्वल टू प्लस माइनस टू. देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ के फॉर विच लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस. नाउ द लास्ट पार्ट, अब आखिरी वाला देखिए कि लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन दैट इज जीरो जीरो विल सेटिस्फाई phi will satisfy your given equation. So given equation is this, you can name it 1. If it is not named, if line passes through origin then 0 0 will satisfy equation 1. तो कहने का मतलब है कि अब 0 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा हमें इक्वेशन नंबर 1 में. तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. ये मैं रब कर देता हूँ. अब 0 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए तो आपके पास आएगा k माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू 0 प्लस के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाइज. अभी आप देखिए फर्स्ट टर्म हैज़ बिकम ज़ीरो, सेकेंड बिकम ज़ीरो. तो आपके पास आई है के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. अब टू फाइंड वैल्यूज आपके यू कैन स्प्लिट मिडिल टर्म. तो के स्क्वायर माइनस फोर के माइनस थ्री फोर के, सॉरी ये नहीं जमेगा, फोर के थ्री फोर थ्री जा ट्वेल्व हो जाएगा. तो आप सिक्स और वन में ब्रेक कीजिए. के स्क्वायर माइनस सिक्स के माइनस के प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. तो आपके पास के कॉमन लेने से के माइनस सिक्स आएगा, माइनस वन कॉमन लें के माइनस सिक्स आएगा. दोनों में से आपने कॉमन लिया के माइनस सिक्स तो आपके पास आएगा के माइनस वन विच इम्प्लाइज इधर के माइनस सिक्स जीरो और के माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाइज के इज इक्वल टू सिक्स और के इज इक्वल टू वन. दीज टू वैल्यूज will satisfy this equation. This equation means this.
दैट्स वाई आंसर ऑफ दिस थर्ड पार्ट इन विच वी आर गिवन दैट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के इज इक्वल टू 6 और के इज इक्वल टू 1 इसके आंसर होंगे, जिस केस में लाइन कहाँ से पास होगी, लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का मिसलेनियस चैप्टर 10 का, कितने आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। अब आप इसे बिना देखे भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन केस इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन सच क्वेश्चंस, प्लीज़ डू राइट मी एंड थैंक यू।